माता के भक्तों की गाड़ियाँ, पूरी कानवाई चल रही। वो कहाँ योगी बाबा यहाँ आया है, लोगों ने कहा है जो ये नतीजा है वो यहाँ पे मंच पे हमें दिख रहा है। जय मां नंदा सुनंदा। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़े जिले का। और आजकल अपने अल्मोड़े में चल रहा नंदा देवी का मेला और मैं भी जाने वाला हूँ मेला देखने, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से। आज मेले में काफ़ी स्पेशल दिन है क्योंकि आज जो है माँ नंदा सुनंदा की जो हमारे मूर्तियाँ बनती हैं उसके लिए जो है केले के पेड़ लेने जो जाते हैं उसको पेड़ को आज निमंत्रण देने जा रहे हैं, और कल को फिर लेने के लिए जाएंगे अगले दिन। और आज जा रहे हैं कि पेड़ को किस ढंग से निमंत्रण देने जाते हैं और वहाँ पे पेड़ की कैसे पूजा करते हैं, वो सारा वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा। और मैं भी जा रहा हूँ नंदा देवी मंदिर की तरफ और आप लोग को भी लेके चलता हूँ। और मेरी ये वीडियो की शुरुआत हो रही है असली में मेरा दोस्त है रक्षित शाह अल्मोड़ा दरबार जिसका रेस्टोरेंट है उसके कमरे में हूँ अभी, और उसके रेस्टोरेंट में चलता हूँ पहले नीचे और उसके बाद जाऊँगा नंदा देवी मंदिर की तरफ। ऊपर कमरे से आ चुका हूँ मैं और नीचे रेस्टोरेंट में। यह देखो यहाँ पर से दरवाज़ा था, ऊपर किया था मैं कमरे में, और यह है रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट है असली में 3-2 मंजिला, एक फ्लोर यह है और इसके नीचे एक फ्लोर है, फिर नीचे है जहाँ कैस काउंटर है। हेलो भैया, बहुत बढ़िया। ये आ चुके हैं हम ऊपर अपने मित्र के कमरे से नीचे रेस्टोरेंट में। 3 मंजिला रेस्टोरेंट है ये। नीचे जो है यहाँ पर इनका रिसेप्शन है, ये देखो यहाँ अंदर साइड किचन है और इधर इसका रिसेप्शन कैश काउंटर, और यहाँ से अंदर को है 2 मंजिले ऊपर रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट से भी ऊपर जो है कमरा जहाँ से मैंने वीडियो शूट करी थी। और अब मैं, यह है मेरा दोस्त रक्षित जो अल्मोड़ा दरबार के मालिक साहब हैं, और अपना मित्र रिक्की भाई उर्फ और चलता हूँ फिर मंदिर की तरफ, दिखाता हूँ वीडियो आप लोगों को पूरे मंदिर के आज कैसे केले के पेड़ों को निमंत्रण देने जाते हैं, और मंदिर के कार्यक्रम भी दिखाऊंगा जो भी कार्यक्रम होंगे मंदिर में, और चलता हूँ मंदिर की तरफ। तो ये है अल्मोड़ा दरबार रेस्टोरेंट, और यहाँ से लेके चलता हूँ आपको नंदा देवी मंदिर की तरफ, और इसके थोड़ा सा ही ऊपर यहाँ पर को है मिलन चौक। चाचा नमस्कार, बहुत बढ़िया। और बगल में हजारा दुकान, इसकी यहाँ पर से सीढ़ियाँ हैं ऊपर को जाने के लिए नंदा देवी मंदिर की तरफ। ये और वकील साहब बढ़िया, और यहाँ पर ऊपर हजारा की दुकान के ऊपर आते ही देखो हमारे वकील साहब की दुकान है यहाँ पर, और देखो हमारे जी के बहुत बड़े फैन हैं, सब्सक्राइबर मिल गए हमें, थैंक यू भाई, थैंक यू। हमारा सपना है कि इनके संग घूमने जाएंगे, थैंक यू भाई। और देखो यहाँ से है ऊपर नंदा देवी मंदिर की तरफ रास्ता। हाँ बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार, बढ़िया। हेलो भाई, और बढ़िया मोहनदा, और नमस्कार। पहुंच चुके हैं हम नंदा देवी मंदिर के गेट के वहां पे, और यह है अपना नंदा देवी मंदिर। और मेरा साइड देखो अपना मित्र नीरज मिल गया मेरे को मंदिर में। नहीं नहीं भाई साहब कह रहे बढ़िया। मिर्गा पैताल गाड़ो आर।
नंदा देवी के मेले में घूमते घूमते मिल गए हमारे मित्र हमें अशोक भाई। और बढ़िया हो रहे हैं भाई? बढ़िया भैया, बढ़िया यार। सभी लोग नंदा देवी मंदिर से कालिंदी वृक्ष को लेने जा रहे हैं यहाँ से गांव की तरफ, और उसमें आज केवल निमंत्रण देके आएंगे पेड़ के, और कल सुबह को वो पेड़ लेने जाएंगे जिस पेड़ से बाद में माँ नंदा सुनंदा की मूर्ति बनती है। और सभी अब हम लोग धार की तुणी पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं हम नंदा देवी के लिए कतली वृक्ष को लेने, और सारे देवी के भक्त आ रहे हैं पीछे, ये देखो। पाताल देवी के जहाँ पर को दूध की फैक्ट्री वहाँ पहुँच चुके हैं हम, और जा रहे हैं नीचे रालाकोट मंदिर की तरफ। और ये आगे गाड़ी, जय माता दी। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, जय माता दी। जय
यार इतने खूबसूरत जंगलों के बीच से होते हुए जा रहे हैं सारे लोग। नंदा भैया की जय। गाड़ी में जय माता दी। जय। ये देखो यहाँ से गाड़ियों का कितना बढ़िया व्यू आ रहा, पूरे नीचे रोड और ऊपर रोड पूरी दिख रही, इसी वजह से मैं इस जगह में आ गया था। देखो ये माता जी, देखो जय माता दी। ये देखो यार माता के भक्तों की गाड़ियाँ, पूरी कानवाई चल रही। जल्दी उतरो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। नमस्कार 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 बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बना हुआ है गेट। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पर है वो क्या? ये खींच रहे हैं। अच्छा ऊपर है। रुक जाओ। नंदा मैया की जय। नंदा मैया की जय। उसके बाद अरे आते रहो यार, आते रहो हमारी टीम। आओ अंदर बहुत जगह है। हाँ जय माता दी। जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। जाओ जाओ उधर। कोट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर माता शेरावाली का मंदिर है, उस मंदिर पर सारी यहाँ पर व्यवस्था करी हुई है गांव वालों ने। यह है रेलाकोट का शेरावाली माता का मंदिर, और ये देखो रेलाकोट का गांव पूरा। भटकाली चलाई भटकाली।
तो सही हुआ है। वो कहाँ गया योगी बाबा? यहाँ आया। योगी बाबा रखो। उसमें तो फल लगा है। फल नहीं, फल नहीं यहीं लगा दे दिया दो, दिया दो, एक दो, ये दिया दो। हो चुकी है और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। देखिए इस साइड को मेरे भाई बढ़िया मनोज यार, तेरे को बहुत बधाई यार, तुमको यात्रा जो करी ना। धन्यवाद धन्यवाद लाइक है तो करा था उसमें। धन्यवाद।
पंजी से कह रहा हूँ कदली का वृक्ष जिसकी पूजा करने के लिए आए थे हम लोग। पूजा करके आगे कदली का वृक्ष असल में केले के पेड़ को कहते हैं, और वो केले के पेड़ इसलिए यहाँ से लेके जाते हैं, उन केले के पेड़ों से ही जो है जो हमारी माँ नंदा की डोली बनती है, उसमें जो माँ नंदा सुनंदा बनाते हैं उसी से बनती है। उसी के लिए यहाँ एक दिन पहले आके पेड़ों की पूजा करी जाती है और उनको निमंत्रण दिया जाता है कि कल को हम तुम्हें लेने आएंगे, और पूरा विधि विधान के साथ जिनके पेड़ थे और जो लेने आने वाले हैं उनके बीच में जैसे शादी ब्याह में लेन देन होता है, कुछ बातें होती हैं, पूजा पाठ होती हैं, वो सारी प्रक्रिया हुई वहाँ पे जो आपने वीडियो में देखा होगा। और आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जो केले के पेड़ लेके जाएंगे इनसे माँ नंदा सुनंदा की जो मूर्तियाँ बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वो भी दिखाऊँगा आप लोगों को। और अभी मैं आ गया वहाँ से और चलता हूँ, देखते हैं शाम को कुछ नंदा देवी में प्रोग्राम होंगे तो वो भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में आगे को। आप सब बताइए कितना सुरक्षित है हमारा देश, हमारा समाज और हमारे आस पड़ोस के लोग बताइए, और कितना सटीक दर है उस बाप का जो हमने शुरू में आपको बताया, इसका प्रश्न कौन देगा? वो प्रश्न हम इसी समाज से मांगते हैं, क्योंकि बेटी के साथ कुछ गलत होते हुए आपका दो दिन का स्टेटस, दो दिन की मोमबत्तियां जल जाती है, उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है। कल के दिन ये मत सोचिए कि वो दूसरे राज्य की लड़की है, कल के दिन आपके पड़ोस की, आपके साथ की, आपके घर की खुद की बेटी हो सकती है, आपके रिश्तेदारों की बेटी हो सकती है। जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा कैसे हम लड़कियों का साथ देंगे कैसे? और लड़की के चरित्र निर्माण में तो बहुत काम कर लिया है समाज ने, लड़कियों के चरित्र निर्माण में बहुत कर लिया इस काम समाज ने, अब लड़कों की बारी है। सीता तो बहुत है इस राज्य में, पर राम कहाँ है हमारा? राम कहाँ है? ये सब लड़कियाँ आज पूछ रही हैं। सबको अपने घर में एक सीता चाहिए, राधा चाहिए, पर हमारा राम किधर है, कृष्ण किधर है? ये आप समाज से हम उत्तर मांगते हैं, क्योंकि यही समाज है जो लड़की के साथ गलत होने में अनेक प्रश्न वो उठाता है कि लड़की कहाँ गई थी, अरे कितने बजे गई थी, किसके साथ गई थी, क्या पहन के गई थी, क्या ज्यादा मुस्कुरा के बात कर रही थी, और ना जाने कैसे कैसे आरोप इस समाज ने हमारे ऊपर लगाए हैं। तो कब साथ दोगे तुम, जब तुम्हारे घर से वो बेटी होगी, बताओ कब दोगे साथ? धन्यवाद। God bless you all. Thank you.